हे गाइस, दिस इज ट्रैवल फ्रीक सर्वाइवल नील। तो मैं अपना एक व्लॉग शूट कर रहा था गांव में, मोहाना के पास एक गांव है। तो मुझे चाचा जी मिले एक, तो चाचा जी से पता चला इनकी लाइफ की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। तो चाचा जी बता रहे थे कि मतलब जैसे जिस चीज़ को हमारी पूरे भारत में मतलब बहुत सारे लोग दीवाने हैं, दारू। तो दारू का मैंने कुछ किस्सा सुना तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे लगा कि रिकॉर्ड करना चाहिए और आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। तो ये चाचा जी हैं, इनसे आज कुछ बात करते हैं, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। चाचा जी, क्या नाम है आपका? देवव्रत सिंह। देवव्रत सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? खेड़की जली। अच्छा, खेड़की जली के गाँव के रहने वाले हैं आप। तो कितनी उम्र होगी आपकी? 71 साल। 71 साल आपकी उम्र है लगभग, यानी आप सन 1950 की पैदाइश है। तो अभी जैसा कि मैं जब कैमरा नहीं चल रहा था मैंने पूछा आपसे, तो आपने बताया कि आप देखो जी मतलब दारू पीते हैं आप? हाँ, दारू पीते। कितने साल से पी रहे हैं? 50 साल से। देखो, 50 साल से ये चाचा दारू पी रहे हैं और इनकी सेहत मतलब कि आपको लगेगा नहीं कि ये 50 साल से दारू पी रहे हैं, जो कुछ लोग कहते हैं। अरे, जितनी देर से ये उखड़ू बैठे हैं तो किसी जवान को बैठा दे। हाँ बिल्कुल, ये इसी 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 अवस्था में लगभग आधे घंटे से बैठे होंगे। और मैं यकीन मानूं, मैं भी देखो ऐसे बैठा हूँ, ऐसे मैं भी ऐसे नहीं बैठ पाऊंगा बहुत देर तक, ठीक है। तो दारू पीने के बाद जो कुछ लोग कहते हैं कि दारू पीने से फेफड़े ख़राब होते हैं या हमारी सेहत के लिए ख़राब है, उनके लिए जीता जागता हमारे पास सबूत है। जो व्यक्ति 50 साल से दारू पी रहा है और मतलब स्वास्थ्य में आपके कोई कुछ कमी नहीं? 50 साल से लगातार पी रहे हैं जी आप? आज तक बुखार नहीं आया। देखो, 50 साल से दारू पी रहे हैं और बुखार नहीं आया। तो दारू पीना मतलब कि अगर पर तरीके से पी जाती होगी? तरीके से। कैसे, क्या आपका तरीका, क्या दारू पीने का? अब हमने एक पाव पी ली दारू। अच्छा, तो ये वाली दारू पीते हैं आप? हाँ, देसी। पर देसी पर कहते हैं कि देसी दारू तो चाचा जी बड़ी खराब रहती है। नहीं, ठेके की बढ़िया है। अच्छा, ठेके की मतलब कच्ची दारू है, वो खराब है। अच्छा, कच्ची दारू। इसमें क्या फर्क है कच्ची दारू और देसी दारू? एल्कोहल ज़्यादा है, ये पेट को सही करती है। अच्छा, ये पेट को सही करती है। इंग्लिश दारू पेट में कब्ज करती है। अच्छा, मैंने इनसे बोला कि आप इंग्लिश पिया करो, कि इंग्लिश दारू जो है मतलब वो अच्छी रहती है। लोग कहते हैं ब्रांडेड पियो कि ब्रांडेड आपके शरीर को मतलब ख़राब नहीं करती। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारा कहना यह है कि ये देसी जो ठेके की दारू है, जी जी, इसके अंदर जो है एल्कोहल ज़्यादा है। जी जी, पेट को सही करती है। ओहो, ये जो दारू ये इंग्लिश जो है ये पेट को कब्ज करती है। अच्छा, पेट को कब्ज करती है। चाचा का कहना है कि जो इंग्लिश दारू है वो चाचा के पेट में कब्ज करती है, और ये देसी दारू है ये चाचा को कब्ज नहीं करती, ये अच्छी है। तो चाचा मतलब इससे कुछ नुकसान नहीं होता, इसकी भरपाई के लिए क्या करते हैं आप? भरपाई के लिए क्या करते हैं आप? अब चलेंगे, खाना खाओगे, दूध पियोगे, सभी दही पियोगे। अच्छा, कितना खाना मतलब क्या खाने में क्या क्या डाइट रहेगी? अब तो हम 4 रोटी खा लेंगे। 4 रोटी और भैया फिर शाम को दूध पियोगे। अच्छा, दूध कितना दूध पीते हैं आप? 1 किलो। एक किलो? हाँ, सुबह 1 किलो। 1 किलो काम कर रहा है दारू पे? अच्छा, दारू के बाद देखो जी, अगर आप दारू पी रहे हो तो कम से कम 1 किलो दूध जरूर पीजिए। रात को ऐसा दूध चिंगवा कर रखो, 1-2 किलो रात को 12 बजे पी उठ के। अच्छा, 1 किलो दूध अकेले पी जाते हो आप? अकेले, भैंस है वहाँ, दूध काफी है। अच्छा अच्छा, आप तो भैंस है आपके, चलो ठीक है। तो सुबह दही पियोगे? तो दही कितनी जी? 1.5 लीटर। 1.5 लीटर दही? हाँ। देख लीजिए कि इस उम्र 70 साल की है और 1.5 लीटर दही पी जाते हैं आप लोग, मतलब आधा लीटर भी नहीं पी जाएगी मुझसे तो कसम से। हाँ? पर 1.5 लीटर दही पी जाते हैं एक सांस में। हाँ? एक सांस में जी? हाँ। ये थोड़ी है, रुक रुक कर रहा। क्या बात है। हाँ, एक सांस में दही पीना, तो मतलब ये सब चीज़ से लगता नहीं होगा कि शरीर को अंदर कैसा फील होता है, कि अंदर से आपकी बॉडी जैसे अब मैं हूँ, मेरी उम्र जैसे बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि जवानी से थोड़ा सा ऊपर आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शरीर में वो बात नहीं रही। मम्मा मजाक से लग कि अब हम खड़े हैं तो पता चले लॉकडाउन या शरीर में पहले जैसे बात नहीं रही। आपको अंदर से लगा कि कुछ चीज़ें कमी है? इस उम्र तक तो हो जाती होंगी, पर फिर भी सुबह 1.5 किलो लगाऊँ? 50 दंड? ऐसी बात है, सुबह 50 दंड लगा मैं और एक कदी कहते मूड बढ़ जाओ यहाँ के 12 पे 200 दंड लगा दे। देखो जी, देखो जैसे चाचा है 50 दंड लगाते हैं, और देसी पीने का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि ये गरीब है। आ जा बेटे। चाचा, कितनी जमीन है आपके? जमीन तो बचेगी कितनी? 150 बीघे है लगभग। 150 बीघे। 150 बीघे जमीन होने के बावजूद भी चाचा ये पीते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंग्लिश नहीं खरीद सकते, बट इनकी छूट ये होती है। इनका लड़का फौज में, इंग्लिश की बोतल मिले नहीं पीते, कब्ज कर दे। ये तो कच्ची ले आवे ना बनी भाई गुड़ की, उसे पिजाड़ा पसंद करे। पंडी पी जाए बैठे एक सांस में। दंड भी मारता हूँ 50। दंड भी मारते हैं 50।
तो मतलब कुछ अभी कुछ जैसे नहीं, में कोई नहीं। उम्र आपकी 70 साल हो गई। साइकिल चलाओ मैं, साइकिल पैदल चला रोज की सुबह, रोज भी लगा मैं। देखे जी 70 साल की उम्र तक जो लोग दारू को खराब बता रहे, मैं भी खराब बताता हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी दारू। 74 साल हो रही होगी मैं तो 70 ही बताया करूँ। मैं किसी दारू के प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे को भी पर्सनली मुझे पसंद नहीं है दारू, क्योंकि मैं भी नहीं पीता, मैंने आज तक ट्राई नहीं किया। चेहरे पे कोई फर्क है ना जी? ना बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो तेरे जैसे लोंडे को बताइए क्या कर देंगे बताओ, अगर हाथ मिला ले दम काट दूंगा। अजी हाँ जी, ओहो मार दूं। अच्छा अच्छा अच्छा। और दारू पी के कभी हमने आज तक बता भी नहीं। अच्छा, जो जो लोग वीडियो देख रहे होंगे तो उनसे कुछ कहना चाहोगे आप, जो शहर में लोग देख रहे हैं उनके, उनमें कुछ मैसेज, कुछ भी बताना चाहते हो आप उन्हें, कुछ भी? दारू पियो तो देसी पियो। नहीं 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 चाचा, तो यही है चाचा, आप यूँ कह दो बस, अगर लाइक वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। हाँ कह दो एक बार, बताओ क्या कहूँ भैया, हमारी वीडियो पसंद है तो शायद कुछ लाइक कर दियो। हाँ भाई वीडियो पसंद है भाई। चलो चलो जी, अच्छा समझ गए आप, समझ गए, इतना बहुत है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो ऐसी फिर से अगर मुझे कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी मिली मैं फिर से आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए।